हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नताशा की रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन ग्रेवी। मटन ग्रेवी बनाने के लिए मैं ली हूँ 3 पाव मटन और मैं उसमें 200 ग्राम ली हूँ चर्बी, जिससे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ, क्योंकि नॉन वेज का कोई भी आइटम हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको क्लीन करना। इसे मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। उसके साथ मैं ली हूँ 1/2 kg प्याज, जिसे मैं पतले पतले स्लाइस करके कट कर ली हूँ। उसके साथ मैं ली हूँ 3 लहसुन, जिसे मैं छीन ली हूँ 3 पॉट। उसके साथ ली हूँ 3 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हमें पीसना नहीं है, मैं इसे कूट कर बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले इसे कूट लेते हैं। उसके लिए मैं एक लूँगी कूटने के लिए, उसमें मैं सारे लहसुन जो है अपने डाल दूँगी इस तरह से, और उसे मैं अच्छे से कूट दूँगी। कूट कर बनाने से काफ़ी अच्छा आपको टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। कूटा हुआ मसाला इस तरह से आप डालेंगे अदरक लहसुन तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसे एक बार मिक्सी में दरदरा एक बार इसे चलाकर भी आप कर सकते हैं, बट मैं इसे कूट रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसे इस तरह से निकाल दूंगी सारे प्लेट में, और अब मैं जो हमारा अदरक था उसे भी मैं अच्छे से कूट लूंगी। ये देखिए, ये भी हमारा अच्छे से कूटा गया है। अब इसे भी मैं निकाल दूंगी सारे प्लेट में। ये देखिए, तो चलिए अब मैं आगे और जो मैं मसाले यूज़ करूँगी वो देख लेते हैं। मैं यूज़ करूँगी, ये देखिए, मैं ली हूँ 3 लाल मिर्च साबुत, उसके साथ मैं ली हूँ 4 तेज़पत्ते, उसके साथ मैं ली हूँ 1 बड़ी इलायची गरम मसाले में, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 6 से 7 लौंग। उसके साथ मैं लूँगी धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मटन मसाला और नमक और मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सारे अपने जो जितने भी होते हैं रेसिपी, मैं अपने खाने सारे सरसों तेल में ही बनाती हूँ। और ऐसे भी कोई भी नॉनवेज का आइटम हो वो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन ग्रेवी बनाना। ठीक फ्रेंड्स, मैं एक नॉन स्टिक का पतीला ली हूँ। आप चाहे तो कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। ये एटलीस्ट मैं 3 to 4 tablespoon ऑयल डालूँगी। ये देखिए, ये मैं 4 tablespoon ऑयल डाल दी। अब मैं इसे अच्छे से गर्म होने दूँगी जब तक इसमें से धुआं ना निकले। ये देखिए, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले अपने सारे तेज़पत्ते, उसके साथ मैं डालूँगी लाल मिर्च तोड़कर, अब मैं डालूँगी इसमें सारे अपने गरम मसाले जो खड़े थे मेरे, वो मैं डाल दूँगी इसमें अच्छे से। ये देखिए, ये हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें अपने सारे ओनियन को डाल दूंगी। ये देखिए,
अब इसे हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। मैं इसी टाइम पर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि हमारा जो प्याज है वो जल्दी से गल भी जाए और भुन भी जाए। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से ढक दी हूँ ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से गले भी और भुन भी जाए। तो चलिए इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से फ्राई भी कर लेंगे। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। इसे मैं फिर से ढककर अब मैं 5 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से फ्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा ओनियन भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसी टाइम पर मैं जो अदरक और लहसुन को कूटी थी उसे भी मैं सारे को अच्छे से इसमें डाल दूंगी। ताकि मेरा अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, अब इसे भी हमें फ्राई करना है। अब मैं इसे ढकूंगी नहीं, बिना ढके हुए इसे जल्दी सा फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, ओनियन मेरा फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे मुझे अब फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने जो मटन थे मेरे, वो सारे मटन को मैं इसमें डाल दूँगी। अब और इसे मैं अब अच्छे से चला लेती हूँ, क्योंकि मटन को पहले मुझे फ्राई करना था। बस इसे मैं 5 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे मुझे ज़्यादा देर मटन को फ्राई नहीं करना है, ओनली 5 मिनट। और इसे मैं इस तरह से ढक दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं इसे फिर से चेक करूँगी। तो चलिए इसे मैं 5 मिनट फ्राई कर लेती हूँ ढककर। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखिए, मटन अपना जूस रिलीज़ कर रहा है क्योंकि इसमें खुद का पानी होता है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैं 1.5 टेबल स्पून में डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून में डालूंगी जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि पहले भी मैं ओनियन में नमक डाल चुकी थी तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसमें नमक डालूंगी। और इसे मैं अब अच्छे से चला दूंगी और इसमें मैं अभी पानी बिल्कुल भी अभी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मटन का खुद का पानी जो है उसी से अभी ये फ्राई होगा। इसे मैं अब ढक दूंगी और इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर मैं इसे अभी 10 मिनट तक इसे मैं फ्राई भी होने दूंगी और पकने भी दूंगी, ताकि ये पके भी और फ्राई भी होता रहे, ये मेरा दोनों एक साथ होता रहेगा। तो अब मैं इसे 10 मिनट के बाद चेक करूंगी। तो चलिए इसे मैं 10 मिनट तक के लिए फ्राई होने देती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। मैं ढक्कन को हटाकर आप देख सकते हैं यह मेरा फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑयल अभी से ही रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, बट ये भी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसके लिए मैं इसे फिर से ढक दूंगी अब बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे मैं फिर से 10 मिनट और अच्छे से पकने दूंगी और फ्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे फिर से अच्छे से चेक करूंगी। तो चलिए इसे मैं 10 मिनट और अच्छे से फ्राई होने देती हूँ।
मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं फिर से एक बार चला लेती हूँ। ये देखिए मेरा मटन अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। मैं गर्म पानी डाली हूँ। ये देखिए बस हल्का सा पानी इसमें आपको डालना है ताकि मसाला हमारा चिपके नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मटन मसाला। उसे भी डालकर मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और ये 5 to 10 मिनट में मेरा बिल्कुल मटन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं फिर से ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। ये मेरा मटन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसी स्टेज में मैं डालूंगी ये जो मैं चर्बी लेकर आई थी उसे मैं सारे इसमें डाल दूंगी। इसे पहले नहीं डालना चाहिए नहीं तो आपका जो वो सारा मेल्ट होने लगेगा, इसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकलने लगेंगे। और मैं अब इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून ये देखिए गरम मसाला और इसे भी मैं अच्छे से चला दूंगी। तो बस 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे चलाना है। ये देखिए और अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। आप उतनी ही ग्रेवी कीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। इसमें मैं थोड़ा और भी ये देखिए क्योंकि अभी मटन को गलना भी है, क्योंकि अभी मेरा मटन पूरे अच्छे तरीके से गला नहीं है। ये देखिए और अब मैं इसे ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। फिर से मैं इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे अब पकाऊंगी ताकि मेरा मटन अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसे 10 मिनट के बाद मैं फिर से रीचेक करूंगी। ठीक है फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। मेरा मटन भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। एक मैं आपको इस तरह से चेक करके भी दिखलाती हूँ। इस तरह से मैं एक पीस को लूँगी। मैं इस तरह से मटन में इसमें थोड़ा मैं पानी डाल दी हूँ। अब मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसे इसमें ही डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा मटन बनकर बिल्कुल मटन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे मैं सर्व करती हूँ। इसे मैं फिर से ढक कर लग दूँगी और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, गैस के फ्लेम को। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। मेरी मटन ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। आप भी इसे घर पर एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मटन ग्रेवी कैसी लगी और आपको कौन कौन सी रेसिपी मुझसे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वो सब रेसिपी लेकर के आऊँ। और मेरे चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।